इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 28 दिसंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। राजधानी दिल्ली के चुनावी इतिहास में 28 दिसंबर की तारीख एक बड़े उलटफेर के साथ दर्ज है। इसी दिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की मदद से दिल्ली में पहली बार सरकार बनाई थी। आज भले ही अरविंद केजरीवाल को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उस समय उनका दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। देश दुनिया के इतिहास में 28 दिसंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1612 में गैलीलियो ने नेपच्यून ग्रह को देखा और इसे स्थिर तारे की संज्ञा दी थी। 1767 में आज ही के दिन किंग ताक्सिन थाईलैंड के राजा बने थे और उन्होंने धोनबुरी को अपनी राजधानी बनाया था। आज ही के दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 1895 में आज ही के दिन सिनेमा के इतिहास में पहली बार किसी कहानी को फिल्म का रूप दिया गया था। ये फिल्म फ्रांस के आविष्कारक लुमीर बंधुओं ने बनाई, जिन्हें फिल्म जगत का जनक कहा जाता है। मराठी उपन्यासकार, आलोचक तथा पत्रकार गजानन त्र्यंबक माडखोलकर का जन्म आज ही के दिन 1900 में हुआ था। अमेरिकन कॉमिक्स निर्माता स्टैन ली का जन्म आज ही के दिन 1922 में हुआ था। 1926 में आज ही के दिन इंपीरियल एयरवेज ने भारत और इंग्लैंड के बीच यात्री और डाक सेवा शुरू की थी। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का जन्म आज ही के दिन 1933 में हुआ था। भारतीय प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का जन्म आज ही के दिन 1937 में हुआ था। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत तथा छत्तीसगढ़ राज्य में जन जागरण करता सुंदरलाल शर्मा का निधन आज ही के दिन 1940 में हुआ था। आज ही के दिन 1942 में रॉबर्ट सुलिवन पहले पायलट बने, जिन्होंने अटलांटिक महासागर के ऊपर 100 बार उड़ानें भरी थी। भारतीय राजनेता अरुण जेटली का जन्म आज ही के दिन 1952 में हुआ था। आज ही के दिन 1957 में ब्रिटेन के उत्तरी भाग में स्थित देश के सबसे बड़े बूचड़खाने को पशुओं की फुट एंड माउथ बीमारी की वजह से बंद करने का फैसला लिया गया था। 1968 में आज ही के दिन अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के मियामी में हुए पॉप उत्सव में 1,00,000 लोग शामिल हुए थे। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरा लाल शास्त्री का निधन आज ही के दिन 1974 में हुआ था। देश के प्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत का निधन आज ही के दिन 1977 में हुआ था। आज ही के दिन 1983 में भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मद्रास टेस्ट में अपना 30वां शतक जड़कर महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रेडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा था। वर्ष 2000 में आज ही के दिन डाक विभाग ने वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकटों के सेट में 3 रुपए का एक सचित्र टिकट जारी किया था। आज ही के दिन 2003 में अमेरिका में ब्रिटेन के कुछ विमानों में स्काई मार्शल तैनात करने का फैसला लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि और साहित्यकार प्रोफेसर सुरेश वात्स्यायन का निधन आज ही के दिन 2008 में हुआ था। आज ही के दिन 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।